तो ये लंदन से आए तो मैं इनका आशीर्वाद इंडिया में लेता हूँ। हाय दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक नए व्लॉग के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज संडे है और फंडे है। सबसे बड़ी बात, आज छठ पूजा भी है, महापर्व है। अपनी पूरी जान लगा दूंगा व्लॉग बनाने में। पिंकेश, हाँ भाई, पापा गाड़ी कैसे चलाते हैं पता? थोड़ा बहुत भारी है। मैं जाता हूँ, रेडी होता हूँ, फिर रेडी होने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। और गाइस, आप देख सकते हो लेट हो रहा है और मम्मी निकल रही है और पिंकेश दौरी लेके निकल रहा है। देखो मैं ना आया भी नहीं यार, बाल नहीं बिगड़ा। भाई तू फटाफट छोड़ के आ जा। गाइस आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से छठ पूजा मनाया जाता है। गाना गाते गाते जाते हैं। मम्मी बाय, तेरे को तो छोड़ दिए इधर भाई। भाई अपना चल चल फटाफट, अपना कोई ठिकाना नहीं है। आप देख सकते हो ये हमारे पाड़े के लोग हैं। जय छठ मैया, जय छठ मैया। हाँ भाई, वेलकम टू द ब्लॉग ब्रो। और गाइस आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मेरा आउटफिट है और मैं रेडी हो चुका हूँ। तो अभी मुझे निकलना है, टाइम नहीं है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम मिलेंगे उधर। देख सकते हो मैं अभी आ चुका हूँ अपनी मम्मी के साथ में। मम्मी भी इधर है। सबसे पहले मैं अपनी माँ का पैर पढ़ूंगा। और यहाँ जितनी छठ मैया है सबका तो पैर नहीं पढ़ सकता, पॉसिबल नहीं है, तो सबको दूर से पैर पढ़ लेता हूँ। और गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरह का नजारा है। आप जाओगे ना पानी के अंदर? तो अभी मम्मी पानी के अंदर जाएगी और मम्मी ने उपास रखा है, ना पानी पिया है। पानी में जाएंगे और सूर्य देवता की पूजा होती है। सभे भारत करत ए धनी। मेरे को काटे आ रहे, काटे बोलने में भी। तो मम्मी को हम पानी के अंदर लेके जा रहे में। चले जाओगे मम्मी? आराम आराम से जाओ, चल तू जा। और गाइस देख सकते हो मैं भी अभी पानी में आ चुका हूँ। आप देख सकते हो मैं अभी जा रहा हूँ गन्ना लगाने के लिए। और गाइस मैंने अभी गन्ना लगा दिया है, अभी मम्मी पूजा करी। जैसे सूर्यास्त हो जाएगा फिर पूजा समाप्त हो जाएगा। ये मोबाइल में पिंकेश का फेंकने जा रहा हूँ। पिंकेश कैच करना, कैच करना मोबाइल। और गाइस छठ घाट पे मैं इतना सेवा किया, थक गया, मुझे लग गई ये प्यास। मैं पहले पीऊंगा पानी फिर वापस आऊंगा छठ घाट पे। मेरी मम्मी इतना कर रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं 2 मिनट सेवा किया, मैं तो थक गया। इधर इतनी सारी गाड़ी है, मैं गाड़ी नहीं ढूंढ पा रहा। कार को ऑन कर देता हूँ, ठीक है चलेगा। तो एक नमकीन का पैकेट निकालना, पीछे है ठीक है, और पानी निकाल देना। सूर्य भगवान है, जब वो डूब जाएंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। जय छठी मैया, जय छठी मैया। जितना जोर से चिल्लाओ कि वो घाट तक आवाज आना चाहिए, जय छठी मैया। यह इतना महान पर्व है कि आप देख सकते हो सूर्य भगवान की उपासना होती है। और अभी और खास करके जिस टाइम छठ पूजा मनाया जाता है उस टाइम है ना, वो धीरे धीरे जाते सूर्य भगवान, मतलब ये भी एक परीक्षा लेते भक्तों की। टेल मी समथिंग अबाउट छठ पूजा मैम, हाउ आर यू? I'm also fine. Tell me about the Chhath Puja. We'll understand. Well, I don't know much about Chhath Puja. As far as I know, the people fast for like 36 hours and then they're standing here like sunset, and in the morning they will stand up to the sunrise or something. Yeah, yeah. Sunrise, yeah. Yeah, that's all I know because I'm not from Bihar. OMG. और इतना तो मुझे भी नहीं मालूम है जितना इन्होंने बता दिया। दिस इज अ वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और हमारे में एक बहुत चीज, बहुत खास बात है, बड़ों का कभी भी आशीर्वाद देना चाहिए। तो ये लंदन से आए तो मैं इनका आशीर्वाद इंडिया में लेता हूँ। भारतीय संस्कृति। और थैंक यू सो मच शरद भाई, शरद भाई ने हमको मीटअप कराया, तो थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़ेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा, तो क्योंकि ये फैमिली व्लॉग है। अविनाश के चैनल को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए, बहुत ही अच्छा व्लॉग बनता है इनके। थैंक यू सो मच शरद भाई, थैंक यू सो मच। लंदन से डायरेक्ट इधर पूजा पर्व मनाने के लिए आए, महापर्व मनाने के लिए आए। मैं आया था 2 दिन पहले, दिवाली सेलिब्रेशन किया मैंने, और आज ही मैं आया हूँ कल्याण
आपके सासू माँ से मिलने के लिए. कम टू माई ब्लॉग सर. ओके ओके या माई प्लेजर. ओके थैंक्स अ लॉट. ओके तो इनका भी आशीर्वाद ले लेता हूँ. गाइस आप देख सकते हैं हमें एक सब्सक्राइबर और मिल चुके हैं जो हमारा पूरा व्लॉग देखते हैं. तो छठ मैया के बारे में आप बताइए, महापर्व के बारे में बताइए. छठ पूजा हमारे यहाँ बहुत ही महत्व माना जाता है. ओके इसमें सूर्य देव का पूजा करते हैं हम लोग. सभी लोग आते हैं, साथ में बैठते हैं और सूर्य देव का पूजा होता है. देख सकते हैं सूर्यास्त हो चुका है और सब अभी अपने अपने घर पे जा रहे हैं. छठी मैया की. आप देख सकते हैं यहाँ भी हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर मिल गए जो हमें हमारा वीडियो बहुत देखते हैं. तो भाई ने बोला हमको ब्लॉग मिलो. कैसे हो आप? आपका नाम? रजनीश. अच्छा आपके अंकल है, मुझे क्या मालूम. और गाइस आप देख सकते हैं हमें भी यहाँ एक प्यारे सब्सक्राइबर मिल गए. कैसे हो सर जी? बढ़िया एकदम. आप सर बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो एक गाना गा के सुनाइए ना प्लीज. सुनाइए. देख सकते हैं पापा कार ड्राइव करके लेके जा रहे हैं, मम्मी इसमें बैठी है. चलो घर पे मिलते सीधा. और आप देख सकते हैं ये हमारे पाड़े के लोग यहाँ से जा रहे हैं. तो मैं भी घर पे आ चुका हूँ, मम्मी भी आ चुके हैं और अभी 7 बज चुका है. जैसे कि आप देख सकते हो मम्मी ये फल चेंज होगा ना. हाँ थोड़ा बताओ. अभी का है ना. हाँ तो ये सुबह नहीं जाएगा. अच्छा सुबह हो जाएगा, दूसरी दौरी में भराएगा. हाँ तो गाइस आप देख सकते हो हमारे आसपास के आंटी जी पड़ोसी. अभी मम्मी का है, मम्मी से ही मम्मी. इधर छठ मैया नहीं दिख रही, इधर बैठी हुई है. क्या आंटी आप जा रहे हो थोड़ा राइट पे. रिकॉर्ड के हिसाब से जो भी लो दो लो. आ चुका हूँ मैं बादाम शेक पीने के लिए अंबरनाथ में. भूख तो हम खा रहे हैं सोया चाप. और आप बाय द वे हम बता देते हैं मेरे कॉलेज का दोस्त है खेमू खकिंदर. वेलकम टू द व्लॉग ब्रो. भाई खाने में बिजी लगे पड़े हो. मैं पहले क्लियर कर देता हूँ ये क्या खा रहा हूँ मैं. ये सोयाबीन का है सोया चाप. तो अभी खा लेते, बहुत तगड़ा भूख लगा है. 1:30 बज चुका है गाइस, खाना नहीं खाया अभी तक. गुड मॉर्निंग गाइस. जैसे कि आप देख सकते हैं मम्मी पापा सब लोग चले गए और मेरे पास टाइम भी नहीं है. छठ पूजा है गाइस, तो फटाफट में जाता हूँ रेडी होने के लिए. और मेरे साथ कौन है मालूम है क्या? खेमू. अभी क्या बाथरूम में आओगे? जाओ. मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी हमें हो रही है लेट, फटाफट निकलता हूँ. गाइस देख रहे हो सिर्फ 15 मिनट में मैं रेडी हुआ. यार आप देख सकते हो खेमू भी कैसा रेडी हुआ है. सिनेमैटिक मोड में देख सकते हो गाइस कैसा दिख रहा है खेमू. चलो ब्रो कूल इट ब्रो. क्या कर रहे है तू बे? क्या कर रहे है तू खेमू? सबके सब चोर है साले. बे चना है क्या तू? खाते जा रहा है, खाते जा रहा है. देख रहे हो गाइस काजू बादाम खा रहा है चने के जैसा. जैसे कि गाइस आप देख सकते हो मैं छठ घाट पे आ चुका हूँ और हमारे साथ बहुत प्यारे कॉलेज के मित्र हैं जो बहुत प्यारा आपको छठ मैया का गीत गा के सुनाएंगे. गाँव के घर तू उहे घर वा उहे गलिया पुकारे छठी मैया रसता निहारे. जय हो छठी मैया बुलावे छठी मैया. बहुत प्यारा छठ मैया का भजन गाया, बहुत दिल को एकदम संतुष्टि मिल गई, बहुत प्यारा था. तो अभी हम आनंद लेते हैं छठ घाट का. पवन की मम्मी गुम हो चुकी है इस भीड़ में, तो अभी पवन के लिए पिंकेश को जुगाड़ लगा. चिल्ला मम्मी मम्मी बोल. ये आपको दिखता रहेगा 5 साल 6 साल का, बट ये है 18 साल का गाइस. इसको मूंछ भी नहीं आई है. और गाइस आप लोग का मैंने चाय का अरेंजमेंट करा है, तो आप लोग पी सकते हो. इधर चाय पी सकते हो. खेमू चाय लाए क्या? अरे वाह यार, मानना पड़ेगा यार खेमू चाय लाया. और अभी इसको हम चाय पिलाएंगे जैसे कि ये छोटा आ जाए फिर से एक घूट चाय पी. फाइनली गाइस आप देख सकते हो हमारे उल्लासनगर के उद्योगपति जी. हाथ तो मिलाओ सर गरीब से. सोनू भाई वेलकम टू द ब्लॉग. आपकी स्माइल बहुत अच्छी है. पूरे पूरे छठ घाट पे उजाला हो रहा है, इतनी अच्छी आपकी स्माइल है. कीटाणुओं से लड़ने में मदद करे और दे स्वस्थ मसूड़े मजबूत दांत. जैसे कि गाइस आप देख सकते हो सूर्य भगवान जी की आराधना हो रही है. सूर्य जब ढलता है और सूर्य जब उगता है तो उस दिशा में हमको मुंह करके सूर्य भगवान की आराधना की जाती है. और जब सुबह जब होता है तो दूध से अर्घ दिया जाता है. तो वो प्रक्रिया चालू है, जैसे सूर्य आ जाएगा. आप देख सकते हो अभी तक सूर्य आया नहीं है. जैसे सूर्य आ जाएगा उसके बाद सब लोग अपना उपास तोड़ देंगे. वो मम्मी भी उधर है, तुम्हें भी अर्घ दूंगा. आराम से.
जैसे कि गाइस मैं अर्घ देने जा रहा था, सीधा पानी के अंदर ही नीचे गिर गया। तो पन्नी को कभी इसमें मत फेंको, पॉल्यूशन होता है। गाइस आप लोगों को मजा तो बहुत आया रहेगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, देख सकते हैं मैं भीग गया हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। जय छठी भैया।